सेंटीमीटर्स अपार्ट, तो क्या गिवन है ये आपको, स्मॉल डी। स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, लैम्डा। आर फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन 80 सेंटीमीटर्स अवे, तो क्या गिवन है आपको, कैपिटल डी। यहां तक क्लियर है, तीन चीजें गिवन है। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, तो डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला, जब भी हम ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला एन लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। फिफ्थ है, पुट एन की वैल्यू 5 इंटू लैम्डा वालू में, एन पता है, लैम्डा पता है, डी पता है और स्मॉल डी पता है, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर आंसर नोट करोगे आंसर आएगा 1.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, करते जाओ 10-11 क्वेश्चन तक इनका होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। मैंने क्यों हराया, तूने हराया कल मैच। मेरे को तो पहले ही पता, तभी तो मैंने क्लास की कल छुट्टी नहीं की, तभी तो मैं वेवऑप्टिक्स पढ़ाया। चलो देखो, इसमें फिफ्थ मैक्सिमा के डिस्टेंस के बाद यंग्स एक्सपेरिमेंट, द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन इज 2 mm। क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है एंड विड्थ की वैल्यू गिवन है। विड्थ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय सिंबल बीटा। बीटा व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, फिर से एक बार क्या निकाल लें, बीटा। मींस कहीं ना कहीं बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, चेंज। बीटा की वैल्यू चेंज होने वाली है। यू हैव टू कैलकुलेट न्यू बीटा इफ एंटायर एपरेटस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू इज इक्वल टू 1.33। तो क्वेश्चन ये है कि दो स्लिट्स हैं, स्मॉल डी कैपिटल डी सब कुछ एपरेटस है। पहले मैंने उसको एयर में या वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट किया, एयर या वैक्यूम के एक्सपेरिमेंट करने में बीटा की वैल्यू मुझे गिवन है। अगर मैं इसी एपरेटस को लाइट का एक्सपेरिमेंट किसी डेंसर मीडियम में करूं 1.3 mm, डेंसर मीडियम का मतलब जैसे पानी में करूं, लाइट तो पानी में भी होती है, स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस देखूं, तो बताओ बीटा की वैल्यू कितनी चेंज होगी। तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेके जाने से क्या चीज चेंज हो सकती है, क्या कैपिटल डी चेंज होगा, नहीं। देखो मैंने ये थोड़ी ना कहा, उसने कहा एंटायर ऑपरेटर एज इट इज नीचे ले गया, यानी कि स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस विल रिमेन सेम, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस विल रिमेन सेम। बचा क्या, अगर बीटा का फॉर्मूला देखें तो बीटा के फॉर्मूले में एक हो गया लैम्डा, एक हो गया कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यही फॉर्मूला किया था हमने बीटा का। अब इसमें ना तो ये चीज चेंज हो रही है ना स्मॉल डी चेंज हो रही है, इसका मतलब किसी डेंसर मीडियम में क्या चीज चेंज हुई होगी, लैम्डा वेवलेंथ। तो बताओ पानी में या किसी डेंसर मीडियम में लैम्डा की वैल्यू कैसे चेंज होती है, अगर वो चेंज होती है तो बीटा भी चेंज होगा, मैं बीटा की वैल्यू निकाल दूंगा। तो सोचो लैम्डा की नई वैल्यू क्या होगी जब लाइट एंटर करेगी इन अ डेंसर मीडियम, क्या होगी, बी नॉट बी बाय म्यू। हाँ बी नॉट बाय म्यू, कैसे, इनको करने दो, तुम्हारे बैच में हो गया था। अच्छा दूसरी चीज, जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे सिर्फ 5 मिनट का एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें आपको डराइव करना है फ्रिंज विड्थ तक, एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं, टेस्ट का सिलेबस क्या है देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंडीशन लिख के दिखानी है, एक ही तो क्वेश्चन की है, और ड्राइव करके दिखाना है फ्रिंज विड्थ, बस सबका क्वेश्चन भी सेम होगा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप इसको लिख के नहीं देखोगे तो कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे, कुछ दिन तो बहुत दूर की बात है, आधे लोगों को तो आज भी पता नहीं होगा कि ब्राइटनेस और डार्कनेस की जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती है, ठीक है ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं है। देखो जरा इसमें एक चीज देखो, अगर रिलेशन निकालना है तो कैसे रिलेशन निकलेगा, मुझे एक चीज मालूम है, सी जो सी होता है दैट इज इक्वल टू न्यू टाइम्स लैम्डा। वैक्यूम की अगर बात करें तो सी इज इक्वल टू न्यू टाइम लैम्डा, ये तो सबको क्लियर है, या लैम्डा इज इक्वल टू क्या, सी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी न्यू, ये भी क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ये चीज सबको क्लियर है। एक चीज याद रखना, व्हेनेवर लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर
टू डेंसर मीडियम, तो एक फैक्टर कभी नहीं चेंज होता वेव का, और वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती जब कोई लाइट एंटर करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो क्या चीज चेंज हो सकती है? एक वेलोसिटी और एक वेवलेंथ। ऑब्वियसली वेलोसिटी से चेंज होती होती है, वेलोसिटी की वजह से वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। मैंने हिंट दे दिया, हिंट क्या, पूरा आंसर दे दिया। बनाओ जरा केस, एक बार सी इज न्यू लैम्डा लगाओ वैक्यूम में, एक बार वी इज न्यू इंटू लैम्डा डैश लगाओ किसी मीडियम में। आदित्य नैन, अखिल, अखिल रोज नाम होता है तेरा यहाँ पे, काव्य, कृति, मेघना, मेघना मेघना लास्ट टाइम आए थे क्यों, उससे पहले कितने लेक्चर में से है? एक ही है, नवदीप नहीं है, सुयश, आंसर आया क्या आप लोगों का? आंसर लैम्डा डैश इज लैम्डा अपॉन म्यू आ गया। देखो सबसे पहली चीज, ये इक्वेशन नंबर वन है, जब आपका मीडियम क्या है, एयर या वैक्यूम, ये चीज क्लियर है। अगर मैं मीडियम के अंदर सेम इक्वेशन बनाऊं तो लैम्डा की जगह लैम्डा डैश, सी की जगह वी, न्यू की जगह न्यू, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू, सी इज न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई क्या कर देना है आपने, न्यू कर देना है। यहां तक क्लियर है सबको? ज्योति समझ आ रहा है सबको? ठीक, इन दोनों को जरा डिवाइड करना, तो लैम्डा डैश डिवाइडेड बाई लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वी डिवाइडेड बाई सी, न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, एक वी बच गया और एक सी बच गया। वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। और हमने एक रेशियो की थी, आपको याद होगा शुरू में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, हमने डेफिनेशन की थी। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन डिवाइडेड बाय म्यू, इट मींस लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। रिजल्ट आ गया कि अगर आपकी लाइट एंटर करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में एंटर करते ही जो वेवलेंथ है वो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, म्यू। और अगर डेंसर टू रेयरर लाइट एंटर करती है तो आपकी वेवलेंथ विल बी मल्टीप्लाइड बाय म्यू। याद रखना एक चीज, अगर रेयरर टू डेंसर है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, डेंसर टू रेयरर है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, तो अब मुझे मालूम है कि बीटा की वैल्यू, बीटा मीन वैक्यूम में क्या वैल्यू थी, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, क्वेश्चन नंबर वन, और किसी और मीडियम के अंदर बीटा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा डैश कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, क्योंकि ये तो चीज चेंज ही नहीं हो रही। इन दोनों को डिवाइड कर लो बीटा बाय बीटा नॉट, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय लैम्डा, डिवाइड कर लो लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय लैम्डा। और अभी अभी मैंने बताया लैम्डा डैश किसके इक्वल है, लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू लैम्डा, ये चीजें कैंसिल हो गई, वन अपॉन म्यू आ गया, इसका मतलब बीटा इज बीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं इस पूरे ऑपरेटर्स को किसी डेंसर मीडियम में शिफ्ट कर देता हूं तो मेरा जो बीटा है वो कम हो जाएगा, और कितना कम हो जाएगा, बीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू। आपको क्वेश्चन में बीटा पहले गिवन था, बीटा नॉट का मतलब एयर में बीटा गिवन था, आपको किसी मीडियम में निकालना है तो जो भी एयर में बीटा था उसको म्यू से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक, सबको समझ आ रहा है पीछे तक? शिवम, सृष्टि, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले मेरे पास बीटा 2 mm है, तो नया बीटा विल बी इक्वल टू 2 mm डिवाइडेड बाय 1.33, एक ही लाइन का आंसर था बेसिकली। जिनको ये रिजल्ट याद है सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में एक ही लाइन लगाओगे आंसर आ जाएगा। मेथड क्लियर है सबको यहां तक?
रहते हैं, समझ आ रहा है? आंसर निकाल लेना, यहां से डिवाइड करके आंसर आएगा कोई 1.5 × 10⁻³। सिर्फ आंसर नोट करना और कुछ मत देखना, 1.5 × 10⁻³ मीटर्स ये आंसर आएगा। मेथड क्लियर है ये बताओ, मेथड में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट टू पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑन अ स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेयर वेव्स फ्रॉम S1 S2 हैव पाथ डिफरेंस ऑफ 0 एंड लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट? रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज निकालनी है। मान लो दो लाइट्स हैं, एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, ठीक, दोनों इंटरफेयर करती हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है। जब पाथ डिफरेंस कितने है दोनों वेव्स में? 0। जब पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा? 0, ठीक। और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है तो फेज डिफरेंस कितने है? कितना? क्या फायदा हुआ पिछले लेक्चर का? लैम्डा को सिंपल रिप्लेस कर देना है बाय, बस पाई बाय 2। लैम्डा की जगह रिप्लेसमेंट कर देनी है ना, लैम्डा कोरिस्पॉन्ड्स टू एंगल ऑफ 2π। आंसर तो ये लो, पहला केस है पाथ डिफरेंस 0 है, तो लेट से एक पहले वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का A2 है, तो पाथ डिफरेंस 0 का मतलब फेज डिफरेंस भी 0। तो ये आपके पास IX आ गया, इंटेंसिटी एट पॉइंट X, सिमिलरली इंटेंसिटी एट पॉइंट Y, जब फाई की वैल्यू हम सिंपली क्या पुट कर देंगे? पाई बाय 2। ठीक है यहां तक? फाई की वैल्यू इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये लो, ये आपके पास IX की वैल्यू आ गई, IX आ गया। उसी तरीके से IY के लिए फाई की जगह क्या पुट कर देना आपने? पाई बाय 2, तो फाई की जगह आपने पाई बाय 2 पुट कर दिया, I एट Y आ गया, और ये फाइनली आपके पास दोनों की क्या आ गई? रेशियो आ गई। आपको रेशियो निकालनी है, रेशियो की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? पॉइंट सबको क्लियर है? कुछ भी नहीं करना, बस फाई की वैल्यू एक में 0 हो जाएगी और एक में पाई बाय 2 हो जाएगी। समझ आ रहा है अमर? ठीक, ठीक है, बस यहां तक छोड़ दो, क्योंकि एम्पलीट्यूड बराबर तो थे नहीं, तो मैंने भी A1 और A2 ले लिए। नेक्स्ट देखो, और नेक्स्ट में मेरे ख्याल से करेक्शन होगी, 6 × 10⁴। देखो, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट लाइट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, लाइट की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो भी है ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इज गिवन
एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब क्या गिवन है बीटा? एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंज का मतलब कि एक डार्क और जो ब्राइट है उनके बीच में जो डिफरेंस है और वही बीटा ही होता है। तो बीटा की वैल्यू 0.75 × 10⁻³ मीटर्स गिवन है एंड स्क्रीन इज 1.5 मीटर्स अवे, तो कैपिटल डी की वैल्यू 1.5 मीटर है एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आपको गिवन है 6 × 10⁴। मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, सी इज इक्वल टू न्यू टाइम्स लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय न्यू। सी का मतलब 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी का मतलब 6 × 10⁴। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा पता है, डी पता है, बीटा पता है, आपको इसमें क्या निकालना है? स्मॉल डी। स्मॉल डी निकालने के लिए बीटा का फॉर्मूला यूज कर लो, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, छोटा डी निकाल लेना, गिवन गिवन एंड गिवन। मेथड क्लियर है? एक लिख रहा हूं ना यहां तक, कोई डाउट इसमें? आंसर सॉल्व करोगे, स्मॉल डी की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 10⁻³ मीटर्स। जब आप सॉल्व करोगे जैसे मैंने मेथड बताया, आंसर नोट कर लो 10⁻³ मीटर्स। कल का टाइम वही रहेगा, हाथ खड़ा करना जितने लोग 11 बजे आ रहे हैं कल टेस्ट देने, 11 o'clock, ठीक है? मर्जी है, मत आओ। दूसरे बैच से पूछा, प्लस वन से भी पूछा, हर कोई कहता है कि हमने 11 बजे नहीं आना। हम ऐसा करते हैं, कितने लोग जो आ सकते हैं 11 o'clock? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे से 11 का स्लॉट उड़ा देते हैं, स्टार्ट ही 12 बजे कर लेंगे, 12 से 1:15 और फिर 3-4 बजे तक कंटिन्यू कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको टाइम ही सूट नहीं करता तो यहाँ जरूरी रश करना है, इतनी गर्मी हो जाएगी, आप बात को समझते नहीं हो, इतना मिसमैनेजमेंट हो जाता है, मजा भी नहीं आता, एनवायरमेंट नहीं बनता टेस्ट देने का, और सबसे बड़ी बात 11 o'clock का स्लॉट एकदम खाली, आधी सीटें खाली, एंड वाला स्लॉट एकदम फुल। कितने बजे है? 10:32, 12, डेढ़ घंटे का है। कितने लोग जो 11 o'clock आ सकते हैं? ऐसा तो नहीं, सारों का तो नहीं हो सकता, आप नहीं आ सकते कल 11 बजे, टेस्ट है एक। चलो कितने लोग 11 बजे, हाथ खड़ा करना, 1 और 2, इधर से 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर से बस, बाकी लोग 9। कितने लोग 12:15 पे आएंगे और कितने लोग लास्ट स्लॉट में आएंगे 1:30 वाले? ठीक है, मैं प्लस वन वालों को नेक्स्ट बैच को 11 o'clock साइन करूंगा। फिर जो लोग 10 स्टूडेंट साथ खड़े कर रहे हैं वो प्लीज रिक्वेस्टेड है 11 बजे आना, ठीक है? देखो जरा, चलो, इन द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज गिवन, यानी कि मुझे क्या गिवन है? बीटा। ये किसकी वैल्यू गिवन है? बीटा की गिवन। व्हेन रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू गिवन है 6400 angstrom, मीटर में कन्वर्ट कर लो, हाउ मच विल इट चेंज? तो अब बीटा क्या हो जाएगा? चेंज पता नहीं कितना, क्योंकि मैं क्या चीज चेंज कर रहा हूं? लैम्डा डैश, और लैम्डा डैश कितना कर रहा हूं मैं? 4000। ये पॉइंट सबको क्लियर है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है? लैम्डा चेंज करने से बीटा चेंज हो जाएगा। तो पहले बीटा का फॉर्मूला क्या चल रहा है रेड लाइट के लिए? लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस, बीटा डैश इज लैम्डा डैश बड़ा डी बाय छोटा डी, डिवाइड कर लो बाय स्मॉल डी, इक्वेशन नंबर 2। 2 डिवाइडेड बाय क्या कर लेना है? 1। बीटा डैश
अपॉन बीटा क्या बच गया, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बीटा डैश की, ठीक है ना। इसको लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बीटा डैश। कैपिटल डी और स्मॉल डी तो हमने चेंज ही नहीं करना, सिर्फ लैम्डा चेंज किया। और क्योंकि फाइनली आपको क्या निकालना है, चेंज इन विड्थ, आपको फाइनली इसमें वैल्यू निकालनी है चेंज इन विड्थ, तो हम क्या करेंगे इसमें बीटा डैश माइनस क्या कर देंगे, बीटा, बीटा डैश हम निकाल लेंगे, बीटा आपको मालूम है आंसर, ठीक है। यहां तक सिंपल क्वेश्चन है ये भी, जस्ट बीटा कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। ठीक है यादव, नेक्स्ट देखें, इसका आंसर नोट कर लेना, बीटा डैश की वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, और फिर दोनों को माइनस कर लेना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और क्योंकि वेवलेंथ कम हो गई तो बीटा की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, बीटा कम हो जाएगा क्योंकि लैम्डा कम हो गया, तो फिर ओल्ड बीटा की वैल्यू में से न्यू बीटा की वैल्यू को आपने माइनस कर देना है, तो आप ये शो करोगे बीटा की वैल्यू डिक्रीज है। याद है, क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट ट्राई करो। शिवम, शिवम का नहीं, इसका कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 6 × 10⁻¹। एक 6 × 10⁻¹। देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, क्या गिवन है क्वेश्चन में, स्मॉल डी, स्क्रीन इज 1.4 मीटर अवे, क्या गिवन है, कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, दो बार आ गया, इज गिवन, मतलब अगर ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सेंटर है, और ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, आपको ये डिस्टेंस गिवन है एक्स के पैर में 4, एक्स 4 का फॉर्मूला क्या होता है, ब्राइट है ना, तो ब्राइटनेस की कंडीशन होती है 4 लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, एन लैम्डा डी बाय डी। क्या निकालना है, और आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1.2, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओके फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है, आपको कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है, आपको क्वेश्चन में स्मॉल डी भी गिवन है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की। समझ आ रहा है यहां तक कि क्या गिवन है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस गिवन है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस होता क्या है, 4 लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, डिस्टेंस गिवन है, लैम्डा निकल आएगा, बड़ा डी छोटा डी दोनों गिवन है, यहां से लैम्डा आ गया, लैम्डा अगर आ गया तो अप्लाई करो सी इज इक्वल टू न्यू टाइम्स लैम्डा, यहां से न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, आंसर दोनों वैल्यूज गिवन है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मेथड क्लियर है यहां तक, प्रीतम समझ आ रहा है, प्रीतम ठीक, तो यहां से सॉल्व कर कितना आंसर आ रहा है, एक सेकेंड, इसका आंसर आएगा हाँ 5 × 10⁻¹², ठीक था जो मैंने गलत लैम्डा बोल दिया, ये फ्रीक्वेंसी आएगी। मेथड क्लियर है ना, क्या करना है, नेक्स्ट देखो।
क्वेश्चन है, यंग्स एक्सपेरिमेंट में टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 3 mm डिस्टेंस, दो स्लिट्स हैं, स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है एंड लैम्डा की वैल्यू गिवन है, स्क्रीन इज 2 meter, कैपिटल डी की वैल्यू भी गिवन है, कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन 8th ब्राइट फ्रिंज एंड 3rd डार्क फ्रिंज। तो अगर मैं ब्राइट की कंडीशन लगाऊं तो ब्राइट का डिस्टेंस क्या होता है, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, तो मुझे कौन सा ब्राइटनेस निकालना है, 8th ब्राइटनेस, तो एन की जगह 8, लैम्डा आपको पता है, डी आपको पता है, स्मॉल डी आपको पता है, एक x8 आ गया। फिर आपको डार्कनेस के केस में कंडीशन लगानी है, डार्कनेस कौन सी निकालनी है, 3rd, और इन जनरल डार्कनेस की कंडीशन होती है 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय, ये लो लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स छोटा डी, ठीक है ना यहां तक। और आपको क्या वैल्यू निकालनी है, x डैश 8, ठीक लिख रहा हूं ना, 8th, तो आप यहां पर पुट कर लो 8, 3rd, ओके सॉरी 3rd निकालना है, 8 तो निकल गया, कोई बात नहीं, यहां पर 3rd निकाल लेते हैं, 3rd के केस में 2 × 3 पुट कर दो यहां पर 6, तो 5 लैम्डा बड़ा डी 2 छोटा डी, ये आपके आपके पास ब्राइटनेस का डिस्टेंस आ गया, ये आपके पास डार्कनेस का डिस्टेंस आ गया। आपको क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है, इनका इनका डिफरेंस निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट x3 डैश या x8 रादर x8 बोलना चाहिए, x(8 − x3′) कर लोगे माइनस, आंसर क्वेश्चन में लैम्डा पता है, डी पता है, छोटा डी पता है, लैम्डा पता है, डी पता है, छोटा डी पता है, कॉमन निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। याद है, क्लियर है सबको, इसमें क्या किया क्वेश्चन में, कोई डाउट इसमें, ठीक। फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, तो यहां से माइनस करोगे तो आंसर आएगा ये रहा, ये ब्राइटनेस है, ये डार्कनेस है, दोनों की वैल्यूज को माइनस किया, आंसर आएगा फाइनली सॉल्व करने के बाद 1.76 × 10⁻³ meter, माइनस करोगे तो आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, निकालो फिर इसका क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट का एन की वैल्यू निकालनी है, एन निकालना है, एन इन यंग्स एक्सपेरिमेंट रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन इज यूज्ड
एंड nth ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन. तो देखो ये सेंटर पॉइंट है, ये P पॉइंट है. जब मैंने लैम्डा 6000 यूज किया तो nth ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हुई. ब्राइट फ्रिंज मीन्स ये डिस्टेंस अगर x है तो x का x की वैल्यू क्या होगी, n लैम्डा बड़ा d बाय छोटा d. ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये चीज सबको समझ आ रही है, क्योंकि ब्राइटनेस का फॉर्मूला लगेगा और n की वैल्यू मुझे मालूम नहीं, लैम्डा की वैल्यू मुझे मालूम है 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी को ऐसी रहने दो. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, यहां तक इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब क्वेश्चन ये केस नंबर 1 है. केस नंबर 2 है कि अगर मैं लैम्डा को 5000 कर दूं तो अब nth ब्राइट फ्रिंज नहीं, कौन सी ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है, n प्लस 1th. कोई बात नहीं, और किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर. तो इन एनी केस x की वैल्यू तो कम से कम चेंज नहीं होने वाली, चाहे P पॉइंट पर n ब्राइट फ्रिंजेस बना लो, चाहे n प्लस 1 बना लो, कोई बात नहीं, x की वैल्यू सेम है. तो एक काम करते हैं, केस नंबर 2 अगर हम बनाएं, केस नंबर 2 में फिर से x लेंगे, लेकिन इस बार n ब्राइट फ्रिंजेस की जगह n प्लस 1 ब्राइट फ्रिंजेस यूज करेंगे, n की जगह n प्लस 1, लैम्डा की जगह 5000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू बड़ा डी बाय छोटा डी. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ये जो आपके पास आ गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई. तो इसमें 1 और 2 एक्स एक्स सेम है, डिवाइड कर लो. चलो डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी. तो आंसर आ गया यहां पर, n की वैल्यू 5 इज दी आंसर. कॉन्सेप्ट वही है कि x की वैल्यू सेम रख के चाहे n ब्राइट फ्रिंजेस बना लो, चाहे n प्लस 1 बना लो, x की वैल्यू विल रिमेन सेम. इक्वेट कर लेना आंसर. यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक. देखो जरा, इसमें एंगुलर पोजीशन निकालनी है. क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स आर 0.2 mm अपार्ट, स्मॉल डी गिवन है, लैम्डा गिवन है, कैपिटल डी गिवन है, कैलकुलेट एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा. सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि ये एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या होता है. एंगुलर पोजीशन का मतलब है कि सपोज आपके पास क्या है कि एक स्क्रीन है, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये दो स्लिट्स हैं सेपरेटेड बाय स्मॉल डी और इनके बीच में डिस्टेंस इज कैपिटल डी. मान लो ये डिस्टेंस आ गया एक्स, एक्स मान लो थर्ड ब्राइटनेस है, कौन सा है, थर्ड ब्राइटनेस है. तो क्वेश्चन में गिवन है कि थर्ड ब्राइटनेस की एंगुलर पोजीशन निकालो. अगर मैं आपसे ये बोलूं कि थर्ड ब्राइटनेस का क्या आप डिस्टेंस x3 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो बाय फॉर्मूला 3 लैम्डा बड़ा d बाय छोटा d, निकल जाएगा यहां तक. पर उसने डिस्टेंस नहीं पूछा थर्ड मैक्सिमा का, उसने एंगुलर पोजीशन पूछी थर्ड मैक्सिमा की. एंगुलर पोजीशन के लिए आपने स्लिट्स का मिड पॉइंट ले लेना है, स्लिट्स का मिड पॉइंट सेंटर में जाके ज्वाइन होगी लाइन, आपने ये एंगल निकाल देना है कितना है, ये वाला एंगल थीटा. इस थीटा को एंगुलर पोजीशन बोलते हैं. ये थीटा 3 कर लेना क्योंकि एंगल चेंज होते जाएंगे डिस्टेंसेस के साथ. तो जो भी एंगल आया इसको एंगुलर पोजीशन बोल ले, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी है. तो आप एक काम करो, आप इसमें वैल्यू निकालो टेन ऑफ थीटा 3. क्या करेंगे, एक्स 3 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, एक्स 3 की जगह 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी,
तो क्या आंसर आ गया, 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। यहां तक क्लियर है? और क्योंकि ऑप्टिक्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट है ये बहुत बड़े बड़े एंगल्स नहीं है, ये बहुत 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 छोटे एंगल्स है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो एंगल पॉइंट्स में आएंगे, 0.0001, 0.0002, और जब एंगल छोटे होते हैं तो टेन थीटा थ्री कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज थीटा थ्री। टेन हट जाता है, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, टेन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो आप कई बुक्स में देखेंगे वो टेन नहीं लगाएगा, वो उसकी जगह क्या लगाएगा, सिर्फ थीटा लगाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एक्स थ्री डिवाइडेड बाय कैपिटल डी आ जाएगा आंसर। आपको क्वेश्चन में लैम्डा भी गिवन है, स्मॉल डी भी गिवन है, यहां से आंसर आएगा। तो पहला आंसर तो आपके पास आ जाएगा, पहला आंसर ये रहा, 3 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। वो टेन निकाल रहा है ये, टेन की तरह निकाल रहा है ये। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.009 रेडियंस। बताया था ना एंगल बहुत छोटे आएंगे, तभी तो अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा को क्या लिखा, सिर्फ थीटा। ठीक, कोई डाउट इसमें? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है एंगुलर पोजीशन ऑफ फिफ्थ मिनिमा। ठीक है, फिफ्थ मिनिमा आ जाएगा। आप एक काम करो, ये सेंट्रल पॉइंट है, आप फिफ्थ मिनिमा का डिस्टेंस निकालो। लेट से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है x5 डैश से, तो x5 ऑफ डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी? मिनिमा की कंडीशन लगा लो, मिनिमा की कंडीशन के अंदर क्या फॉर्मूला होता था, 2n-1 इंटू लैमडा डी बाय 2d। तो x5 डैश का मतलब है यहां पर, x5 डैश मीन्स 2 × 5 = 10, 9 लैमडा बड़ा डी बाय 2 छोटा डी। ठीक है यहां तक? और उसी तरीके से जो भी आपने एंगल निकालने, ये एंगल निकाल लेना, टेन थीटा 9 लैमडा बड़ा डी 2 छोटा डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, कैंसिल, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि एंगुलर पोजीशन कैसे निकलेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो एंगुलर पोजीशन निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप क्या कर सकते हो इसमें। ठीक, आंसर निकल जाएगा यहां से, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, इसमें क्या करना है। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड निकालो और प्रूव करो कि LHS इज इक्वल टू RHS। सोर्सेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी रेशियो बीटा, कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट तो हमेशा होते ही है। इंटेंसिटी रेशियो का मतलब I1:I2, इसकी रेशियो β:1 गिवन है, और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है यहां तक? तो मैं इसमें ऐसे कर सकता हूं कि A/B = √β, या A = √β(B). ये पॉइंट समझ आ रहा है कि एक का एम्पलीट्यूड वेव का दूसरे की वेव के एम्पलीट्यूड से √β ज्यादा है। ठीक है यहां तक? बस आंसर आ गया। क्यों? A, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आई मैक्स की वैल्यू कितनी है और आई मिनिमम की वैल्यू कितनी है, तो आई देखो, आई ऑफ मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या किया था हमने, A+B का होल स्क्वायर
ठीक लिखाना है यहाँ तक, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और i ऑफ मिनिमम की वैल्यू अगर निकालनी हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट कर दो बस, और a की जगह रिप्लेस कर देना अंडर रूट बीटा टाइम्स b, ठीक है ना। मतलब कि आपको क्वेश्चन में निकालना है i मैक्स माइनस i मिनिमम, i मैक्स प्लस i मिनिमम, i मैक्स की जगह पुट कर देना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जहां जहां a है वहां अंडर रूट ऑफ बीटा टाइम्स क्या पुट करना है b। अभी जो निकाला था a की जगह, a की जगह, a की जगह और a की जगह, सॉल्व कर लो RHS आ जाएगा। मैथ सर कैलकुलेशन कर लेना, स्क्वायरिंग ओपन कर लेना, तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है अखिलेश? ये देख लो किया भी हुआ है इसमें, अगर देखना है तो ये रहा, ये मैंने वैल्यू पुट की हुई है इसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये रहा आई मैक्स आ गया, आई मैक्स की वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर थी, आई मिनिमम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें पुट कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहां से वैल्यू पुट कर लेना, मैंने अपने जब सॉल्व कर रहा था वहां बी ले रहा हूं, इसमें ए टू ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से जो भी ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू है ये अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगी कॉमन निकाल के, और इन दोनों को स्क्वायर को ओपन कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक यहां से सॉल्व करोगे आंसर आएगा, नोट करने की प्लीज जरूरत नहीं है, अपना सॉल्व कर लेना, स्क्वायरिंग कर लेना, राइट हैंड साइड आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, sources of intensities I and 4I are used in an interference experiment. Obtain intensities at points where wave from two coherent, आसान है ये तो, इसमें phase difference given है, तो ठीक है, पहला part है intensity एक में I है और एक में 4I है, resultant intensity का formula हमने last time किया था, I 4I 2I 4I का under root into cos of 0, second case में pi by 2, third case में जो भी है put कर लेना आंसर आ जाएगा। एंगल ही चेंज करने हैं, फॉर्मूला बस ये यूज होगा, ठीक है ना यहां तक। तो एंगल चेंज करते रहना फाइ, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ आई वन एंड आई टू, मतलब आई वन आई टू की वैल्यू गिवन ही है इसमें 1:4, ठीक है यहां तक, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, नोट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी इन केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ एन आइडेंटिकल वेव्स ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इफ द इंटरफेरेंस इज कोहेरेंट। हमने कोहेरेंट का केस तो किया हुआ है, हमने इनकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट का केस नहीं किया हुआ। देखो ना, मैथमेटिकल इक्वेशन चेंज हो जाएंगी अगर हम नॉन कोहेरेंट का मतलब है, इनकोहेरेंट का मतलब है जहां पर आइडेंटिकल सोर्सेज नहीं है, तो फेजेस में बहुत डिफरेंस आएगा। तो कोहेरेंट का केस तो हम करते हैं, कोहेरेंट के केस में याद रखना कि अगर इंटरफेरेंस कोहेरेंट है तो
तो इंटेंसिटी मैक्सिमम करनी है तो कॉस फाई की वैल्यू क्या करनी होती है, वन, और वन कब आएगी जब फाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और हमने ये भी डिस्कस किया होगा कि अगर सपोज करो दो वेव्स हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने किया भी था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसी था ना। और एम्पलीट्यूड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। एम्पलीट्यूड उधर मैं देखना, इधर देखो जो लिखा हुआ है मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला एम्पलीट्यूड की फॉर्म में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पर मैं अगर इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो ए की जगह अंडर रूट ऑफ आई वन, क्योंकि आई वन इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो वहां से ए इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आई वन और यहां पर अंडर रूट ऑफ आई टू। पर मेरे पास ऐसी कितनी वेव्स हैं, एन आइडेंटिकल वेव्स हैं, तो अपने रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया, आई वन आई टू आई थ्री अप टू आई एन का अंडर रूट का होल स्क्वायर, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, एंड इंटेंसिटी बराबर है आई नॉट आई नॉट आई नॉट एन स्क्वायर इंटू आई नॉट। हाँ, ये सिर्फ एक जनरलाइज रिजल्ट निकाला है, एक्चुअल में इसको निकालना मुश्किल है। क्यों? मान लो आप सोचो अगर तीन वेव्स हो, अगर मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रहा हूं, मैं कैसे निकाल रहा हूं, मैंने पहले दो वेव्स ली, y इज ए साइन ओमेगा टी, दूसरी ली y इज ए बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, याद है वो सुपर इम्पोज किया था बड़ा सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री लगा के, फिर r का फॉर्मूला आया था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। दो वेव्स के अंदर सोचो कितना कॉम्प्लेक्स है, तीन वेव में कितना कॉम्प्लेक्स होगा, चार वेव में कितना होगा, एन वेव में कितना होगा। तो हमने सीधा शॉर्टकट लगाया है और हमने सिर्फ याद करने की कोशिश की है कि अगर मेरे पास n आइडेंटिकल वेव्स आ जाएं तो मेरा ये रिजल्ट लगेगा। मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रहा, अगर आप मुझे ये कहोगे भी कि सर चार वेव्स के लिए करके दिखाओ, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, तो मैं सिर्फ याद कर रहा हूं और याद करवा रहा हूं आपको कि अगर n आइडेंटिकल वेव्स आ जाएंगी तो आप इस रिजल्ट को ऐसे लिखना, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट इसमें? दो वेव्स के लिए तो प्रूफ किया हुआ है, एन के लिए इन जनरल कर दिया, इनकोहेरेंट का भी केस हमने नहीं किया हुआ, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी नहीं किया हुआ, बट शॉर्टकट नोट कर लो अगर क्वेश्चन आ जाए, वैसे नहीं आएगा, कि अगर इनकोहेरेंट का केस आ जाए तो जैसे कोहेरेंट में कॉस फाई को क्या लिया जाता है, वन, इनकोहेरेंट में कॉस फाई को लिया जाता है जीरो, ठीक, बिना किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के, क्योंकि क्वेश्चन गिवन था तो मैंने इसमें डाल लिया। वैसे इनकोहेरेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको इनकोहेरेंट के साथ किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। पर अगर आ जाए कॉस फाई को बस सिंपल जीरो पुट कर देना, और जीरो पुट करने के बाद आपके पास वो वन आ जाएगा, और फाइनली आपके पास अगर दो वेव्स हैं तो दो वेव्स के केस में आपके पास आंसर क्या बच गया, आई वन प्लस आई टू। अगर इनकोहेरेंट है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई वन प्लस आई टू होगी, और इन जनरल करोगे तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस एंड सो ऑन, यानी कि आई नॉट आई नॉट आई नॉट एन टाइम्स, तो इट विल बिकम इक्वल टू एन टाइम्स आई नॉट। जैसे ये रहा, अगर n आइडेंटिकल वेव्स हैं तो आपका रिजल्ट n टाइम्स i नॉट हो जाएगा। सिंपल याद किया है मैंने, इसका कोई प्रूफ नहीं करवाया, क्यों और कैसे कुछ नहीं, एक आध किसी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप ऐसा कर सकते हो, वैसे आएगा नहीं, कोहरेंट ही आएगा। बहुत क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं वेव ऑप्टिक्स के, कोहरेंट सफिशियंट होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसी का क्वेश्चन बहुत हो जाएगा। याद तो क्लियर है, ये आपसे होगा नहीं क्योंकि ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो इसीलिए अब हम बी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर का नाम है डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। वेव ऑप्टिक्स के तीन बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज हैं, एक इंटरफेरेंस, दूसरा डिफ्रैक्शन, तीसरा पोलराइजेशन। तीनों में से किसी में से भी क्वेश्चन आएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने ईएम वेव्स के अंदर भी स्टडी किया था कि कोई वेव्स डिफ्रैक्शन शो करती हैं, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, तो उसमें मैंने बताया था वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। सेकेंड फिनोमेना स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड होना, लाइट के हवा में अपने भी बेंड हो जाएगी, कुछ ऐसा कि ये लाइट आ रही थी, ये एक लेट से लाइट की वेव्स आ रही है या लाइट आ रही है, बस ये बेंड हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बेंड तो हो नहीं सकती। बेंड तब होगी जैसे मान लो एक हिल आ गया, हिल, टॉप ऑफ हिल, वेव आ रही थी, यहां पर आई, कॉर्नर की वजह से इसको क्या होना पड़ा, थोड़ा सा बेंड होना पड़ा, लाइट यहां पर आएगी और अपना रास्ता
बेंड कर सकती है कुछ कहीं पर भी ऊपर नीचे डिपेंडिंग कि वो ऑब्स्टेकल कितना छोटा है और किस एंगल पर आपकी लाइट आ रही है, तो लाइट किसी भी एंगल पर बेंड हो सकती है। बिना ऑब्स्टेकल की आपकी लाइट कभी भी बेंड नहीं हो सकती। कोई भी वेव बिना ऑब्स्टेकल की कभी बेंड नहीं होगी, ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बेंड कब होगी? जब कोई ऑब्स्टेकल आएगा। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। इसको करने के लिए ये आपके सामने सपोज करो एक स्लिट है, बहुत ही छोटा स्लिट है, बहुत बहुत वेरी वेरी स्मॉल, ठीक, बिल्कुल एक ओपनिंग है और काफी छोटी है। लाइट आ रही थी, यहां से लाइट आ रही थी, स्ट्रेट आ रही थी, लेकिन कॉर्नर की वजह से लाइट थोड़ी सी क्या हो गई? स्प्लिट हो गई। सीधी भी गई ऐसी बात नहीं है, पर यहां से कॉर्नर से स्प्लिट होगी। इसका एक बेटर डायग्राम यहां बना हुआ है, ये देखो, इसमें काफी अच्छा डायग्राम बना हुआ है इसमें नजर। और एक चीज याद रहे, ये लाइट अपने आप नहीं हुई, ये स्लिट यहां तक है, ऐसे है, टच कर रही है। तो कॉर्नर से लाइट क्या हो गई? स्प्लिट हो गई कुछ इस तरीके से। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ठीक हो गया। डिफ्रैक्शन खास क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बस स्प्लिट हो गई, यहां पर काम खत्म ही तो हो सकता था, खत्म नहीं हुआ। यहां पे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल अगर गोल है, सर्कल है, तो कॉर्नर सर्कमफ्रेंस कॉर्नर ही कॉर्नर है, तो आपकी जो लाइट है वो हर तरफ से बेंड होगी, ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। अगर स्ट्रेट है तो सिर्फ इधर और इधर बेंड हो जाएगी, हर तरफ से बेंड नहीं होगी, पर जहां भी कॉर्नर आएगा, जहां भी ऑब्स्टेकल आएगा, वहां पर बेंड होगी। अब लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ सीधे पाथ से डेविएट हो गई, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। असली चीज पे आते हैं। जितना छोटा आपका ऑब्स्टेकल होगा उतनी ही आपकी जो लाइट है वो क्या होगी? बेंड होगी, उतनी लाइट बेंड होगी। जितना बड़ा ऑब्स्टेकल होगा, ये वेव फ्रंट आ रहा है, जितना बड़ा ऑब्स्टेकल होगा लाइट उतनी ही कम बेंड होगी। ऑब्स्टेकल बड़ा होगा तो हो सकता है आपकी पूरी की पूरी लाइट उसमें से एंटर कर जाए, तो बेंडिंग कहां से होगी? होगी नहीं। ऑब्स्टेकल बिल्कुल बारीक होगा, छोटा होगा, तो लाइट क्या हो जाएगी? बेंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है यहां तक। अब हम आते हैं क्या खास बात है डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन की अगर आप एप्लीकेशन पूछो, एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन टेलीकॉम सेक्टर में है। जितने टेलीकॉम कंपनीज हैं वो इस इफेक्ट को हमेशा कंसिडर करती हैं। उन्होंने टावर्स लगाने होते हैं, सिग्नल वीक ना हो जाए। उनको मालूम है सिटी के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जहां जहां बिल्डिंग्स हैं वहां वेव जाएंगी, बिल्डिंग के कॉर्नर पे बेंड हो जाएगी, आपका सिग्नल बेंड हो जाएगा, तो पहुंचना चाहिए था टॉप ऑफ बिल्डिंग, पहुंचा थोड़ा सा नीचे, तो वो टावर की पोजीशन ऐसी रखी जाएगी ताकि डिफ्रैक्शन का इफेक्ट वो कंसिडर करते हैं। दूसरी चीज, जब डिफ्रैक्शन होगी, ऑब्स्टेकल से टक्कर होगी आपकी वेव की, और जब कोलिजन होगी, जब टक्कर होगी, टच करके आएगी, एनर्जी लॉस होगा, तो इसलिए आपका जो सिग्नल है वो वीक होता जाएगा, जितनी ज्यादा क्या होती है? डिफ्रैक्शन होती है। पर हम टेलीकॉम या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये फिनोमेना स्टार्ट कहां से हुआ था? लाइट से। उसमें डिफ्रैक्शन की अलग एप्लीकेशन है, इसमें अलग एप्लीकेशन है। अब हुआ क्या इसमें? डिफ्रैक्शन दो तरीके की है, एक डिफ्रैक्शन है फ्रेजनल, एक डिफ्रैक्शन है फ्रॉनहोफर। हमारे सिलेबस में कौन सी डिफ्रैक्शन है? फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेजनल में क्या फर्क है? जब सोर्स ऑफ लाइट, पहली तरीके की डिफ्रैक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, स्लिट तो चाहिए ही होगी जहां से स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, जहां पे लाइट डेविएट होगी, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट लाइज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट। जैसे एक स्लिट है, फाइनाइट डिस्टेंस पे एक सोर्स ऑफ लाइट है जो लाइट ओरिजिनेट कर रहा है, यहां से लाइट आई, डिफ्रैक्शन हो गई, ठीक। तो अगर सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे है, और अगर सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो सोर्स आपका सोर्स है, कोई बल्ब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो वो फ्रेजनल है। लेकिन हम अपने बनाए हुए सोर्सेज को स्टडी नहीं करते, हम यहाँ पर ऑप्टिक स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी ऑफ नेचुरल लाइट है। लाइट है, लाइट तो हर तरीके की है, पर हम यहाँ पर सनलाइट का ही एग्जांपल लेते हैं, सी लाइट, जो सी स्पीड 3×10^8। अब नेचुरल लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट अगर किया जाए तो फिर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कैसे होगा, कैसे आएगा? रिजल्ट मैं किसको बोलता हूँ? देखो,
जब किसी ने डिफ्रैक्शन का फिनोमेना किया तो क्या रिजल्ट आया, इसको पहले ध्यान से देख लो। आपने ये ध्यान से शायद नोट किया हो, नहीं किया मुझे मालूम नहीं, डिफ्रैक्शन हो गई ना, सामने क्या रख दी, स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जब इसको, इस डिफ्रैक्शन के अफेक्ट को देखा गया, लाइट सिंगल थी, स्क्रीन के ऊपर आफ्टर डिफ्रैक्शन इसको घेरा तो देखा गया कुछ पॉइंट्स पर डार्कनेस आ गई, कुछ पॉइंट पर ब्राइटनेस आ गई, फिर डार्कनेस आ गई, ब्राइटनेस आ गई, डार्कनेस आ गई, ब्राइटनेस आ गई, एंड सो ऑन। ऐसा कैसे हो सकता है, एक लाइट है, दो लाइट तो थी नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक लाइट दूसरी लाइट के ऊपर सुपर इम्पोज कर गई और सुपर इम्पोज करने की वजह से क्रेस्ट और ट्रेस कैंसिल हो गए, डार्कनेस आ गई। दो लाइट तो है ही नहीं, लाइट तो सिंपल एक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि डिफ्रैक्शन, जैसी लाइट ऑब्स्टेकल की वजह से अपना रास्ता डेविएट करती है, तो डार्कनेस बीच में कैसे आ गई, जबकि होना क्या चाहिए था स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस। पॉइंट नंबर वन इज क्लियर। मैं अपना एक्सपेरिमेंट नेचुरल लाइट पे करना चाहता हूं। नेचुरल लाइट का मतलब जो आम लाइट है, जो आम लाइट है उसका जो वेव फ्रंट होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट है। क्योंकि अगर मैं एक फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स रखूंगा, उसका वेव फ्रंट प्लेन कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो एक स्फेरिकल सोर्स होगा, तो हर तरफ लाइट एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकालेगा। पर मेरे को अपना एक्सपेरिमेंट तो नेचुरल लाइट पे करना है, नेचुरल लाइट का मतलब प्लेन वेव फ्रंट। अगर मैं धूप में जाके एक्सपेरिमेंट करूंगा, लाइट में करूंगा, बंद कमरे में नहीं करूंगा जहां अंधेरा है, तो डार्कनेस कहां से नजर आएगी मेरे को। तो इसका मतलब कि अगर मैं जो मेरा सोर्स है तो फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो फ्रेजनल है, और अगर मेरा सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक ही सोर्स हो सकता है और वो है सन, अगर मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूं तो मेरी डिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। हम अपना एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे, फ्राउनहोफर के अकॉर्डिंगली करेंगे, दैट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। पर कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, बट इतना याद रहे कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट में जो वेव फ्रंट लेने वाला हूं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट लेने वाला, मैं एक प्लेन वेव फ्रंट लेने वाला हूं। और प्लेन वेव फ्रंट का मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई कि मैं नेचुरल लाइट सीधा डिफ्रैक्शन के साथ नहीं कर सकता, पैटर्न नहीं ऑब्जर्व हो पाएंगे, तो मेरे को प्लेन वेव फ्रंट ओरिजिनेट करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा लैब में। लैब में प्लेन वेव फ्रंट जनरेट करके दिखाऊंगा, ठीक, अभी तरीका है करने का, बताऊंगा क्या। तो लैब के अंदर प्लेन वेव फ्रंट जनरेट करवाऊंगा, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब प्लेन वेव फ्रंट को कंपेयर किया जा सकता है विद नेचुरल लाइट। लेकिन प्लेन वेव फ्रंट जनरेट तो लैब में करूंगा, और जहां प्लेन वेव फ्रंट है चाहे लैब में एक्सपेरिमेंट किया, पर आपने बोलना यही है कि प्लेन वेव फ्रंट का मतलब सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जबकि एक्चुअल में इट इज नॉट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, लैब के अंदर से सोर्स तो मैंने जनरेट करवाया, पर जब जब वेव फ्रंट प्लेन होगा तो हम सोर्स ऑफ लाइट को हमेशा क्या मानते हैं, इनफाइनाइट, इसलिए इसको फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ज्यादा अंतर नहीं है, नाम में डेफिनेशन में डिफरेंस है। अब ये डायग्राम क्या है इसको बाद में डिस्कस करते हैं। हमने क्या करना है, हमने इस पूरे टॉपिक में, पूरे डिफ्रैक्शन में सिर्फ एक चीज ही करनी है, ओनली वन थिंग, क्या कि स्क्रीन के ऊपर डार्कनेस आया तो आया कैसे, और अगर ब्राइटनेस है तो ब्राइटनेस क्यों है। दूसरी चीज इसमें क्या डिस्कस करनी है, इसका सब पार्ट है कि अगर ब्राइटनेस है उसको फ्रिंज बोलेंगे, इसमें फ्रिंजेस डेवलप होती हैं, तो क्या ये अल्टरनेट होती है इंटरफेरेंस की तरह, ये बिल्कुल अल्टरनेट होती है, इंटरफेरेंस की तरह ही पैटर्न ऑब्जर्व होता है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट एंड डार्क, ठीक है यहां तक। तो मैं आपको रीजन देने वाला हूं कि ऐसा क्यों हुआ। तीसरी चीज, पहले किसी ने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दी फिर उसने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई डिफ्रैक्शन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने देखा ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं डार्कनेस कैसे आ सकती है, फिर उसने अपनी कैलकुलेशंस बनाने की कोशिश की कि जरूर यही एक थ्योरी हुई होगी जिसकी वजह से सिंगल लाइट डार्कनेस जनरेट कर रही है। सिंगल लाइट, डबल दो लाइट्स तो कर सकती हैं, पर सिंगल लाइट की एक ही एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन हमें माननी पड़ी, क्योंकि जब मैंने और तरीके से एक्सपेरिमेंट किए तो वो एक्सप्लेनेशन एकदम सही रिजल्ट दे रही थी। और वो एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं आपको बढ़ाने जा रहा हूं, करें स्टार्ट। तो इसमें हुआ क्या कि सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हम फ्राउनहोफर कर रहे हैं और मुझे एक प्लेन वेव फ्रंट जनरेट करवाने, तो ये मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो सोर्स ऑफ लाइट क्या कर रहा है, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकली, एंड सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकली वो कुछ इस तरीके से, ठीक।
मैंने क्या किया, आगे एक लेंस रख दिया। लेंस का काम है यहाँ पे, लेंस का ना क्या काम होता है, अगर रेज आ रही है कन्वेक्स लेंस है ये, तो ये कन्वर्ज कर देता है रेज को। अब रेज को करता है, वेव को नहीं करता, ठीक है बात बनी। थ्योरी तो दोनों में सेम है ना, लाइट को कन्वर्ज कर देगा तो वेव को भी कन्वर्ज कर देगा ये। उसी तरीके से अगर कोई रेज इसमें इस तरीके से एंटर कर रही है तो उल्टा भी ट्रू है, ये इनको एकदम सीधा कर देगा। अगर यहां से लाइट आ रही होती तो कन्वर्ज कर देता, और अगर यहां से लाइट ओरिजिनेट हो रही है तो इनको ये एकदम स्ट्रेट कर देगा। और अगर आपकी लाइट को ये स्ट्रेट कर देगा, अब आपकी जो वाइब्रेशन है वो स्ट्रेट जाने वाली है, तो आपका वेव फ्रंट क्या बन गया, आपका एक प्लेन वेव फ्रंट बन गया। तो आपका अब जो लाइट ट्रेवल करेगी तो वो कैसे ट्रेवल करेगी, लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट। तो आप अपना अपना डायग्राम भी चेक कर सकते हो। तो उसने क्या किया, पहले एक सोर्स लिया, सोर्स तो अगर वो इसी सोर्स से एक्सपेरिमेंट कर देगा तो प्लेन वेव फ्रंट नहीं बन पाएगा और फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन नहीं हो पाएगी। हमें प्लेन वेव फ्रंट चाहिए था, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, वहां पर एक लेंस लगा दिया। जबकि लेंस को हमने स्टडी नहीं करना, क्यों और कैसे क्या और है, कुछ नहीं स्टडी करना, क्योंकि मेरा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ये स्टडी करने का थोड़ी ना कि मैंने लेंस क्यों लगाया। मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, लाइट को बेंड करवाने के बाद डार्कनेस और ब्राइटनेस क्यों आई, ठीक है यहां तक। तो जो भी उसने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया होगा उसको हम मान लेते हैं, चलो जैसे भी उसने काम किया उसने कर दिया साइंटिस्ट ने। उसके बाद क्या हुआ कि आपकी जो लाइट है वो एकदम प्लेन वेव फ्रंट में आ गई, एक प्लेन वेव फ्रंट जनरेट होने वाला है और प्लेन वेव फ्रंट आगे मूव कर रहा है। ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। हुआ क्या, यहां पर दो स्लिट्स, एक स्लिट पड़ी हुई थी, एक स्लिट, ये एक स्लिट है। और याद रहे ये जो स्लिट मैं बना रहा हूं इसका डिस्टेंस ए है, और ये स्लिट देखने में बहुत 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 बड़ी है, आधी आधी स्लाइड स्क्रीन जितनी है। एक्चुअल में ये स्लिट पता है कितनी है, इतनी छोटी है कि आपको नजर भी नहीं आएगी कि स्लिट है, बहुत छोटी, जैसे 3 लैम्डा 5 लैम्डा। और लैम्डा कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम मान लो, 4000 × 10^-10 मीटर, 0.000004 मीटर। और ऊपर से मैं स्लिट का साइज अप्रोक्सीमेटली लैम्डा के, जितना लैम्डा होते हैं ना लाइट की वेवलेंथ होती है, तो उतना अंदाजे से उतना स्लिट का साइज है। इन शॉर्ट बहुत छोटा है, ठीक। लेकिन इसमें प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने इसको बड़ा दिखाया है, ठीक हो गया। यहां तक वेव फ्रंट आ रहा था, अब ध्यान से देखना, वेव फ्रंट आ रहा है, वेव फ्रंट आ रहा है, स्लिट आ गई। कुछ वेव फ्रंट ऐसे होंगे, कुछ वेव फ्रंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल सीधा निकल जाएंगे, उनकी बेंडिंग नहीं होगी। देखो कुछ लाइट सीधा भी निकलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ वेव फ्रंट ऐसे होंगे जो कॉर्नर से बेंड हो गए और उनकी डिस्टरबेंस किसी एंगल पे निकल गई ऐसे। कुछ डिस्टरबेंस ऐसी होंगी जो ऊपर की बजाय नीचे से बेंड हो गई और वो इस डायरेक्शन में निकल गई। ये वेव फ्रंट्स हैं, समझ आ रहा है यहां तक, एक एक करके बना रहा हूं। कुछ वेव फ्रंट सीधे निकल गए, कुछ ऊपर निकल गए, कुछ नीचे निकल गए, कुछ इससे भी ऊपर निकल गए, कुछ और बेंड हो गए, कुछ यहां निकल गए, कुछ और नीचे बेंड हो गए, ये और निकल गए। ऐसे में कितना बनाऊंगा, बिल्कुल एकदम डायग्राम मिक्स हो जाएगा, बट समझाने के लिए सफिशियंट है कि वेव फ्रंट, कुछ वेव फ्रंट सीधे, कुछ डिस्टर्बेंसेस, वेव फ्रंट मीन डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्बेंसेस सीधी निकल गई, कुछ किसी एंगल पे निकल गई, कुछ और बड़े एंगल पे निकल गई, कुछ और बड़े एंगल पे निकल गई, कुछ उससे बड़े एंगल पे निकल गई। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कितने एन नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स हैं जो इधर भी जा रहे, इधर भी जा रहे, इधर भी जा रहे, ऊपर भी जा रहे, नीचे भी जा रहे और नीचे भी जा रहे। कर लिया इमेजिन, ठीक है यहां तक। इतने सारे वेव फ्रंट को इकट्ठा समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक एक करके करते। तो सबसे पहले सपोज करो बेंडिंग, सबसे पहले हम बड़ा सिंपल सिंपल सा काम करेंगे कि सपोज अगर कोई वेव फ्रंट एकदम स्ट्रेट जा रहा है, मान लो कुछ वेव फ्रंट की बेंडिंग नहीं हुई, कुछ की हो गई, तो जो वेव फ्रंट सीधा जा रहा है, अगर मैं इसके आगे, और हाँ इसके आगे एक लेंस भी जरूर रखने, लेंस देखो अगर वेव फ्रंट का वेव फ्रंट स्क्रीन पे गिर गया फिर तो लाइट ही लाइट हो जाएगी। अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आपको एक और लेंस रखना पड़ेगा जो आपकी प्लेन वेव फ्रंट को क्या करेगा, पॉइंट्स पर कन्वर्ज करेगा, मिलाएगा आपकी वेव को एक जगह पर मिलाएगा। आपने एक लेंस रख दिया, अब अगर ये वेव फ्रंट यहां पर जैसे एंटर हुआ, सामने पड़ी हुई थी एक स्क्रीन, तो क्या हुआ
यहां से जो भी वेव है, इधर देखना डायग्राम में, यहां से जो भी एक वेव है वो यहां पर कन्वर्ज हो गई, यहां से जो भी एक डिस्टर्बेंस है वो यहां पे कन्वर्ज होगी, सच दैट ये जो पाथ कवर किया ऊपर वाली वेव ने एग्जैक्टली उतना ही पाथ कवर किया नीचे वाली वेव ने। ठीक, मतलब अगर मैं कन्वर्ज कर देता हूं तो एक इमेजिन करो, एक देखो सब कुछ इमेजिनेशन है इसमें, तो बहुत जबरदस्त इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन मीन्स ये एक थ्योरी है जो बताई गई है कि ऐसा हुआ, और आपको इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि इसे सारे रिजल्ट डिफ्रैक्शन के एकदम सही आए। तो क्या हुआ कि जो वेव फ्रंट सीधा जा रहा है, अभी तो डिफ्रैक्शन का केस स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो हम बात ही सिंपल वेव फ्रंट की कर रहे हैं जो बेंड ही नहीं हुआ, और अगर बेंड ही नहीं हुआ तो डिफ्रैक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई। लेकिन चलो कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो एकदम सीधी चली गई, तो ऊपर और नीचे का पाथ डिफरेंस, रास्ता दोनों ने इक्वल कवर किया। और हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर यहां से एक वेव चलेगी, यहां पर अगर उसने क्रेस्ट बनाया तो यहां से वेव ने भी एग्जैक्टली क्या बनाना है, क्रेस्ट, क्रेस्ट, क्रेस्ट पे गिरेगी। तो यानी कि ये सेंट्रल पॉइंट फिर से किसका हो जाएगा, ब्राइटनेस। सेंट्रल पॉइंट तो हमेशा किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसका होगा, ब्राइटनेस का। तो एटलीस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल, एक आंसर दे दिया कि सेंट्रल पॉइंट पर हमेशा क्या होगी, ब्राइटनेस। अब आप कहोगे कि सर लाइट तो सिर्फ कॉर्नर्स पे है, क्या बीच में कोई लाइट नहीं है? नहीं, बीच में भी लाइट ले लो। अगर वो एक स्टूडेंट कहता है कि सर यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट है, एक वेव है जो यहाँ पर क्रेस्ट बनाती है, तो ये वेव भी यहाँ पर क्या बनाएगी, क्रेस्ट, क्योंकि पाथ डिफरेंस दोनों का जीरो है, ऊपर और नीचे की वेव का पाथ सेम है, पाथ लेंथ सेम है, तो पाथ डिफरेंस जीरो है। और जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो अगर एक क्रेस्ट बना रही है तो दूसरी भी क्रेस्ट बनाएगी। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर इसमें आपको कैसे पता कि दो वेव्स हैं, हो सकता है 200,000 वेव्स हों, क्या आपको वेव दिखाई देती है? मेरे को नहीं दिखाई देती, किसी को नहीं, जिसने एक्सपेरिमेंट किया उसको कौन सा दिखाई दी, वो तो थ्योरी बना रहा है। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है कि 200,000 वेव्स है तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आप अपने वेव फ्रंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना फिर, ठीक, नंबर ऑफ वेव जितनी मर्जी ले लो, आप अपने वेव फ्रंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। इमेजिन करें 100,000 वेव्स ऊपर है, इस एरिया में 100,000 वेव्स आ रही हैं जो यहां पर कन्वर्ज हो रही हैं, तो नीचे भी 100,000 वेव्स कन्वर्ज हो रही हैं, सच दैट पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली सेम कवर कर रही है। अगर ऊपर से एक वेव आ रही है तो नीचे से भी एग्जैक्टली सेम वेव आ रही है, और क्रेस्ट गिर रहे हैं, चाहे कोई, मतलब अगर आपने दो वेव्स ऊपर वाले वेव फ्रंट में ले ली, ऊपर वाले हिस्से में ली, तो एग्जैक्टली उतनी ही वेव्स आपको नीचे वाले हिस्से में लेनी पड़ेगी। और जब वो इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेयर बोल सकता हूं, जब वो कंबाइन होंगी तो क्या हो जाएगा, वहां पर ब्राइटनेस ही होगी। यहां तक क्लियर है? तो एक चीज तो क्लियर है, कहीं ना कहीं स्क्रीन के ऊपर अगर ब्राइटनेस और डार्कनेस हो रहे हैं तो उसका रीजन समझ रहे हो क्या है? एक लाइट का कुछ हिस्सा अपनी ही लाइट, उसी लाइट के दूसरे हिस्से के साथ क्या हो गई, इंटरफेयर कर रही है। दो सोर्सेज की जरूरत नहीं, एक लाइट ही, एक लाइट का एक हिस्सा, आधा हिस्सा अपने ही आधे हिस्से के साथ इंटरफेयर कर गई, सुपर इम्पोज हो गई, जिसकी वजह से पैटर्न ऑब्जर्व होना शुरू हो गया। आप कहोगे कि सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डार्कनेस कहां से आई, ब्राइटनेस का एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी हमारे पास थी। डार्कनेस का आपको एक चीज समझ आ जाना चाहिए कि अगर आप डार्कनेस की बात करते हो तो डार्कनेस इसलिए आ सकती है क्योंकि अगर सोचो एक वेव फ्रंट बेंड हो गया, लेट से ये वेव फ्रंट बेंड हो गया, सपोज एट एन एंगल ऑफ थीटा बेंड हो गया, और अगर मैंने एक लेंस में से इसको पास करवाया तो उस केस में यहां से ये लो कुछ ऐसे, और मान लो ये यहां पर आके बेंड हो जाते हैं। डायग्राम अच्छा नहीं बना बट आपकी बुक में ज्यादा बेटर है। तो कहने का मतलब कि दोनों, एक वेव, अगर मैं ये बोलूं कि एक वेव यहां से यहां आ रही है और फिर वो इसके बाद कन्वर्ज हो रही है यहां पर, ऐसी एक वेव यहां से आ रही है और यहां पर मिल रही है, तो एक चीज तो क्लियर है कि ऊपर वाली वेव ने जितनी भी लेंथ कवर की और नीचे वाली वेव ने जितनी भी लेंथ कवर की वो सेम नहीं है। देखो जब बेंडिंग होगी तो सेम कैसे हो सकता है, जैसे इस डायग्राम के अंदर भी गिवन है, ये देखो सपोज ये एक वो वेव फ्रंट है जो क्या हो चुका है, बेंड हो गया, ठीक, और बेंडिंग कहां से स्टार्ट हुई थी, कॉर्नर से स्टार्ट हो गई, तो आपका वेव फ्रंट बेंड हो गया एट एन एंगल ऑफ थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? यहां तक नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि आपकी एक वेव यहां से लेट से यहां पर मिलती है, यहां पर आती है,
नीचे से अभी तक वो लेंस में गई नहीं, तो इट विल ट्रेवल अ स्ट्रेट डिस्टेंस वेव फ्रंट तक, और अब ये कन्वर्ज होती है तो ये यहां पे आती है, यहां पर लाइट मिल गई, ठीक है यहां तक। और एक चीज तो क्लियर है कि ऊपर वाली वेव का डिस्टेंस छोटा होगा और नीचे वाली वेव का डिस्टेंस बड़ा होगा। ये देखो ये बड़ा है, कहां से बड़ा होगा? अपनी स्लिट के कॉर्नर से। एक कॉर्नर ये हो गया तो दूसरा कॉर्नर ये हो गया। अब आप एक चीज मुझे बताओ, क्या गारंटी है कि अगर एक वेव यहां से यहां पर क्रेस्ट लेके आती है, यहां से यहां पर, क्या गारंटी है कि ये भी क्रेस्ट लेके आएगी? कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जितना बेंडिंग होगा जितना ज्यादा नीचे वाली वेव को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। देखो ना, अगर तो ऊपर और नीचे का डिस्टेंस बराबर होता फिर तो ठीक था, क्रेस्ट और क्रेस्ट। अब मुझे नहीं मालूम कि अगर सपोज करो इसने डिस्टेंस कवर किया 2 लैम्डा, लेट से ऊपर वाली वेव ने डिस्टेंस कवर किया 2 लैम्डा, नीचे वाली वेव ने कवर किया लेट से 3 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा। अब मुझे क्या पता कि ये कितनी बेंडिंग होगी, क्योंकि बेंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने हो सकता है। ये 5 लैम्डा हो जाए, 5 लैम्डा की वजह से इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा। अब डिपेंड करता है कि दोनों वेव जो ऊपर और नीचे स्लिट के कॉर्नर से जो वेव आ रही है उनका पाथ डिफरेंस क्या है। प्रॉब्लम यही है कि लाइट का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं? उसको करना पड़ा, क्योंकि लाइट का कुछ हिस्सा एक फेस कवर कर रहा है, उसका लोअर पार्ट ज्यादा फेस कवर कर रहा है, तो हो गया ना उसी लाइट में फेस डिफरेंस। अगर तो बराबर वेवफ्रंट एकदम सीधा चलता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर कोई सेम फेस कवर करेगा, पर अगर बेंड हो जाता है तो क्या होगा उस केस में? एक कम फेस कवर करेगा तो दूसरा ज्यादा फेस कवर करेगा, तो हो गया फेस डिफरेंस। और फेस डिफरेंस अगर 0, 2π, 4π, 6π, वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कुछ ऐसा इसका आंसर होने वाला है। बट क्या होगा एग्जैक्टली वो मैं बाद में बताऊंगा। क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अगर स्क्रीन के कुछ हिस्सों पर डार्कनेस आ रही है तो वो कैसे आ सकती है? वो इसीलिए आएगी क्योंकि लाइट का कुछ हिस्सा ज्यादा फेस कवर कर रहा है और कुछ कम कर रहे हैं, और ज्यादा और कम जो वेव्स जो फेज डिफरेंसेस कवर हो रहे हैं उनकी वजह से एक ही लाइट के अंदर जो मिल रही है पी पॉइंट पर फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और फेज डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है उसमें? इंटरफेरेंस हो रहा है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसी वजह से कई पॉइंट्स डार्कनेस के भी हो सकते हैं और कई पॉइंट्स ब्राइटनेस के भी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बेंडिंग कितने एंगल पर हुई। जितनी बड़ी बेंडिंग होगी फेज डिफरेंसेस चेंज होंगे, कोई पॉइंट्स मैक्सिमा का आएगा तो कोई पॉइंट्स मिनिमा के आने शुरू हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? अब हम इसको अच्छे से डिटेल में भी स्टडी करेंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ ऊपर से समझाया है कि डार्कनेस और ब्राइटनेस क्यों आ रहे हैं। अजीब लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, कोई बात नहीं। डिफ्रैक्शन के अंदर किसी ने देखा नहीं, पर इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी ने देखा नहीं कि ऐसा अंदर क्या हो रहा है। वेव किसी को दिखाई नहीं देती, थ्योरी है, और मैथमेटिकली थ्योरी को हमने क्या किया? प्रूव किया मैथ्स की हेल्प से। जब एक्सपेरिमेंट मान लो थीटा एंगल पर ये रिजल्ट आया, थीटा डैश एंगल पर कुछ और रिजल्ट आया, तो मैथमेटिकली जब हमने बिना एक्सपेरिमेंट किए क्वेश्चन सॉल्व किया और फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया, आंसर एकदम सही आ रहा था, थ्योरी एकदम सही है। पॉइंट क्लियर है? तो ये थ्योरी इसने दी, वो थ्योरी मेरे को ऐसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेशन एकदम सही आ रहा है। फिर हम क्या निकालेंगे? इसमें विड्थ निकालेंगे ब्राइटनेस की और डार्कनेस की। तो इस थ्योरी जो भी, अभी तो थ्योरी शुरू भी नहीं हुई, अभी तो थ्योरी मैंने समझानी है और मैथमेटिकली समझाना है कि इस थ्योरी में क्या होगा। तो इसके अंदर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट को मैथमेटिकली भी किया, हमने मैथमेटिकली विड्थ निकाली डार्कनेस ब्राइटनेस की और फिर एक्सपेरिमेंट करके मैच की विड्थ, और वो एकदम सही आई। इसका मतलब थ्योरी एकदम सही है। ठीक है, यहां तक थ्योरी के नेक्स्ट टाइम करेंगे, कम से कम 45 मिनट्स लगेंगे इसको समझाने में, ज्यादा मे बी 1 आवर, लेकिन नेक्स्ट टाइम पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट एक लेवल तक, सीबीएसई लेवल तक तो खत्म हो ही जाएगा। मिलते हैं फिर कल टेक। जिनको बुकलेट से मिली प्लीज बाहर से, मेरे ख्याल से आ गई है बुकलेट, जाते हुए ले लेंगे।